अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। ये हमने कल चिकन ब्रेड बनाई थी और इसके अब आपको ज़रा थोड़ा स्लाइस काट के देते। स्लाइस हमने नहीं काटे थे उसी टाइम, तैयार बिल्कुल गर्मा गर्म थी। तो इसकी थिकनेस एक तो देख लीजिएगा, इतना आपने इसको थिक काटना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद ये देखें, ये सारे इसके जो चिकन हमने इसकी स्टफिंग की थी, ये इसकी स्टफिंग आ गई। ये देखें, ये पूरा लेयर बनी हुई है सारी चिकन की और मुकम्मल तौर पर पकी हुई है। 30-35 मिनट के अंदर पक जाती है। आपके ओवन देख लीजिएगा कितना देर लगती है। अगर आपने ब्रेड बनाई होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी देर लगती है। इसके हम स्लाइसेस काट देते हैं। तो ये हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक हम कर रहे थे टिफ़िन लंच स्लैश लंच बॉक्सेस की, वही सिलसिला अभी चल ही रहा है। आज की भी दोनों रेसिपीज़ ऐसी ही हैं, बच्चों और बड़ों सबके लिए बेहतरीन लंच बॉक्स स्लैश टिफ़िन के लिए। और ये ब्रेड बड़ी ज़बरदस्त है, ये तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आसानी से बन भी जाती है, इतनी महंगी नहीं पड़ती और ग़ज़ाई से भरपूर। सबसे ख़ास बात जो हमने नोट करनी है कि हमने बेसिकली बच्चों को सेहत से भरपूर खाने खिलाने, उसके लिए बेस्ट चीज़ है ये ब्रेड। और ये आ गई, चलिए बस इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा काम हो गया कल वाली ब्रेड का ख़त्म, ये मैं अपने लिए रख रहा हूँ। और आ जाते हैं हमारी आज की रेसिपीज़ की तरफ। एक तो लोडेड पोटैटो स्किन्स, ये बहुत ही मशहूर, यहाँ पे एक चेन खुली थी, बंद हो गई, अमेरिकन चेन थी, उनकी सबसे फेमस रेसिपी थी, बहुत ही मशहूर थी। ये बेसिकली आलू बॉयल्ड है और बॉयल्ड आलू को हमने काट के अंदर से थोड़ा सा गुदा निकालना है, उसके अंदर फिलिंग करनी है, ओवन में बेक होगा बॉयल्ड आलू में। एक ये रेसिपी, दूसरी मीट बॉल सब्ज़ है। और मीट बॉल सब्ज़ के लिए हमने करना ये बेसिकली कोफ्ते हैं ये, और इसको हमने पकाना है। फिर ब्रेड के जो सब बंस होते हैं लंबे साइज़ के, अगर आपने कभी देखे हो, उसके अंदर हमने इसको रखना है। ये सैंडविच है। इसके लिए सबसे पहला काम हमने यहाँ पे इसके कोफ्ते बनाने हैं। और कोफ्तों के लिए मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ, एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। और सबसे पहले मीट बॉल्स की फिलिंग मिलेंगे। चिकन का कीमा है 3 पाव, 2 अदद अंडे, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 कप ब्रेड क्रम्ब। बस इसको खूब अच्छी तरीके से पहले हमने मिक्स करना है और इसके बाद इसका कीमा बनेगा, फिर कोफ्ते बनेंगे। कीमा एक दफ़ा बन जाए काफ़ी है, एक इसकी पिसाई, दो भी कर सकते हैं लेकिन एक बहुत होगा। हम चिकन के साथ बना रहे हैं, आप बीफ के साथ बनाएंगे तो बीफ का आपको कीमा कम से कम 2 मरतबा पीसना पड़ेगा। और कोशिश करें, वैसे अगर आपकी कीमे की मशीन है तो गोश्त मंगवाएं, कीमा ना मंगवाएं। कीमे से बहुत सारी पेट की बीमारियां पैदा होती हैं। उसकी वजह ये है कि कीमा जब बाज़ार में पिसता है, जिस मशीन में पिस रहा है उसमें ऑलरेडी गोश्त लगा हुआ है, और वो गोश्त आपके कीमे की मशीन से होके आपके कीमे में मिक्स हो जाता है। और गर्मियों की वजह से वो घर पहुँचते पहुँचते तक उसमें ऐसे जरासीम पैदा हो जाती है, यानी कि स्मेल आती है, लेकिन वो ऐसे जरासीम होते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा कीमे की मशीन पहले ख़रीदें, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मशीनों की तरह ये सबसे ज़रूरी मशीन है कीमे की, कोई सी ब्रांड, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई सा ब्रांड ले लें। फ़ायदा आपको बता दूं, जो भी आजकल आप मशीनें देखेंगे तो उसमें ये देखें, ये इसका जो हिस्सा है ये एल्युमिनियम ग्रेड का है, फूड ग्रेड एल्युमिनियम है, ये पूरी मशीन फूड ग्रेड एल्युमिनियम है। क्या बाज़ार में सारी लोहे की है, उसमें जंग लगा होता है, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। तो कोई सी भी ब्रांड ले लें, आजकल सब इसी तरह की आ रही हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने ली थी कीमे की मशीन 2012 में, अभी हो गए इसको 12 साल, बेहतरीन चल रही, बेहतरीन। कल परसों भी मैंने इसे कीमा बनाया तो बहुत इजीली, यानी ख़राब भी नहीं होती, ड्यूरेबल मशीन्स हैं और बेहतरीन, यानी चॉपर ग्राइंडर ब्लेंडर के साथ साथ आपके पास आजकल, वैसे शुरू से ही मैं तो कहता हूँ कि ये मशीन मस्त ही होनी चाहिए थी, नहीं है तो ले लें, ये ज़रूरी है। अच्छा, इसको हमने सबसे पहले मिक्स करना है, इसे कीमा बनाएंगे, इसके कोफ्ते बनेंगे, फिर बंस आएंगे, बंस के अंदर हम स्टफ़ करेंगे और ये हो जाएगा तैयार हमारे सब मीट बॉल सब्स। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फिर इसका एक दफ़ा कीमा बनाएंगे, फिर इसको छोटे छोटे कोफ्ते बनेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे सब बंस के बन में। और ये मेरे हिसाब से जितना कीमा है अप्रॉक्सीमेटली, छोटे बॉल्स बनेंगे, बिल्कुल छोटे कोफ्ते, ये मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 8-7-8 आराम से बन जाएंगे, 8-10। तो सबसे पहला काम इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। ब्रेड क्रम ये थोड़ा सा बचा हुआ ये भी डाल देते हैं। ब्रेड क्रम से फ़ायदा ये होता है कि एक तो प्याज इसमें जो है चिकन के कीमे में जो पानी है ये जस्ट कर लेगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ओवरऑल
कॉस्ट इफेक्टिव भी बने पड़ेगा आपको। सो बेहतरीन तरीका ये कि एक और डबल रोटी की ब्रेड क्रम ना हो तो स्लाइस डबल रोटी शामिल कर लें। सबसे पहले उसको खूब हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया, फिर इसके कीमे निकालना शुरू कर देंगे। एक दफ़ा कीमा निकल गया बॉल्स बनेंगे, पर काम बहुत आसान है। और ये कोफ्ते बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाह निकाला खाली अपने पकाने या इवन पका के आप फ्रीज़ कर दें, तो जब चाह निकाला गर्म किया ऊपर से आपने मेयोनीज और केचप डाला और साथ में चीज़ स्लाइस है ना हमारे, हाँ चीज़ स्लाइस भी है, चीज़ स्लाइस रख दिए। तो इसकी गज़ाइत के पॉइंट व्यू से आपको बताता चलूँ, चिकन में आपको प्रोटीन मिल रहा है, प्याज में आपको थोड़ा बहुत हेल्थ के पॉइंट व्यू से चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, और पनीर में आपको कैल्शियम प्रोटीन और वाइटामिन डी मिल रहा है। चलिए जी, इसका वो कहाँ गया डंडा, ये पड़ा, गुड। मैं इसकी जब तक पिसाई शुरू कर दूँ और हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मीट बॉल्स सब्स अज्जा, सब बंस 8 अदद, चटर चीज स्लाइस 10 अदद, पिज्जा सॉस 1 कप, तेल 1/2 कप। मीट बॉल्स के लिए चिकन कीमा 750 ग्राम, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, ब्रेड क्रम्स 1 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद। ले जी वापस आ गए, और ये बन की मैं बात करता सब बंस, इनको बीच में से काट के, कटे हुए भी वैसे शायद आते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन काटने के बाद हमने इसको हल्का सा टोस्ट कर लिया है, बहुत हल्का, कोई ऑयल वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बंस की डेरी हमने यहाँ पे लगा दी, अब जैसे ही कोफ्ते आएंगे कोफ्ते पकेंगे, बॉल्स बन रहे हैं उसके, और फिर आपको इसके बताएंगे। हम आ जाते हैं पोटैटो स्किन की तरफ। अच्छा, पोटैटो स्किन्स क्या है, पहले तो इसकी तरफ आते हैं। ये आलू बड़े साइज़ के मैंने लिए और इनको हमने बॉयल कर लिया मुकम्मल तौर पर पके हुए। अभी आपको काम उससे पहले आ जाते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए यहाँ पर हमने सॉसेज स्लाइस ले लिए, 3 से 4 अदद होंगे मेरे ख्याल में से, मैं क्वान्टिटीज़ देख लेता हूँ, सॉसेज में 4 अदद, साथ में चॉप किया हुआ प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ मिक्स कर रहा हूँ। शिमला मिर्च 2 अदद काफ़ी हैं इसमें, ये आ गए, साथ में आ गया इसमें हरा प्याज, और थोड़ा थोड़ा मैं इसकी गार्निश के लिए भी रोक लूँगा। हाँ, ये हमने थोड़ा प्याज और हरा प्याज रोक लिया, और शिमला मिर्च भी थोड़ी सी रोक लेते हैं, साथ में थोड़े से सॉसेज भी रोक लेते हैं, ये ऊपर टॉपिंग के लिए, थोड़ी देर शो मारने के लिए, वैसे तो सारा मिक्स हो जाएगा लेकिन ये कि थोड़ा सा हम रोक लेते हैं एनीवेज। अच्छा जी, साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा नमक, साथ में आ गया गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच। बस इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये इसकी फिलिंग बन गई, और इसकी चीज़ भी दे दो यार, ये बहुत आसान काम है, मिनटों में तैयार हो जाएगा। आलू खाली आपने बॉयल करना है, ये फिलिंग इसकी तैयार कर लें, और बस ये फिलिंग इसकी तैयार हो गई। इसके बाद हमने आलू को काटना है बीच में से, वो आपको दिखाते हैं अभी। अच्छा जी, ये आलू आ गए, बड़े साइज़ के आलू लेने हैं इसमें, और इसको सेंटर में लंबाई में आपने इस तरह काट लेना है, ये कटा। इसके बाद हमने इसके अंदर का सेंटर का गूदा थोड़ा सा निकालना है, वो निकाल लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे इसकी फिलिंग की तरफ। ये पोटैटो स्किन्स बड़ी मशहूर और खाल समेत, बस ये जहन में रखिएगा, इसको आपने खूब अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि आलू जो है ये ज़मीन के अंदर उगता है, मट्टी बहुत होती है इसमें। आपने सिंपल एक आलू लिया और ये इसका पेट खाली कर लिया, ये आलू ज़ाया नहीं होता, इसकी भी आपको कोई ना कोई कल चीज़ बना के दिखा देंगे। वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हरी आलू का क्या करें, जाहिर बात है फेंक नहीं रहे और फेंकना भी नहीं चाहिए, इसकी और भी चीज़ें बहुत सारी बन सकती हैं। तो सबसे पहला काम इसकी फिलिंग, ये निकाली सारी, और इसके बाद ये बन गई स्किन्स। अब आपने एक स्किन यहाँ पर रखी इसमें, और साथ में बल्कि इस तरह रखी थी, या आपने इसमें खूब फिलिंग भर के डाल दी। ये आ गया पोटैटो, और साथ में आ गया इसमें चेडर चीज़, ये भी टॉप करेंगे इसको। तो एक एक लेके बेसिकली यहीं पे रखें इसको, थोड़ा सा इसमें चेडर मोज़रेला कोई सी चीज़ शामिल कर दें, और ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च बस हल्की सी। ये आ गई हमारी लोडेड पोटैटो स्किन्स। आमतौर पे पोटैटो स्किन्स में इतनी चीज़ें नहीं होती, इसमें हमने खूब सारी चीज़ें डाल दी, और इसको टिका के रखना है ताकि सीधा रहे। अच्छा, ओवन को हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, ऊपर का हिस्सा ऑन किया हुआ है, क्योंकि हमने बेसिकली ऊपर की पनीर मेल्ट करनी है, थोड़ा सा पकाना है। आलू मुकम्मल तौर पर पका हुआ है, तो आलू के लिए कोई काम नहीं है। दोबारा फिर आपको दिखा दें,
ये चम्मच लिया, उसका पेट खाली किया जितना खाली कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद जो इसकी खाल है, इसी वजह से इसको पोटैटो स्किन्स कहते हैं कि इसकी स्किन हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्टली। तो इसका माल पेट वेट जितना खाली कर सकते हैं कर लें, आराम से कीजिएगा, आलू की शेप डैमेज ना हो जाए बस। बस ये आ गया, वही फिलिंग रखी, चेडर चीज़ और कुटी लाल मिर्च, बिल्कुल एक एक करके इसको रिपीट करते जाएंगे इसी तरीके से। और यहाँ पे मैं इनको सेट कर रहा हूँ, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ में जोड़ लीजिएगा ताकि एक दूसरे को सपोर्ट रहे, गिरे ना। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये तैयार हो चुका होगा, जाएगा ओवन में 5-7 मिनट के लिए टोटल बेक होगा, ज़्यादा नहीं, और फिर हम बनाएंगे हमारे मीट बॉल सब्स। कह लीजिएगा विल बी राइट बैक। लोडेड पोटैटो स्टिक्स, अज्जा, आलू छिलकों के साथ 6 अदद बड़े, चेडर चीज़ 1.5 कप, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स 2 अदद, स्प्रिंग अनियन स्लाइस 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमने 6 आलू बॉयल किए थे, 6 आलू तकरीबन कोई 1.5 किलो होंगे ना, ज़्यादा थे, 1.5 किलो तकरीबन, 1.5 किलो आलू थे, उसमें से ख़राब निकला है, 1.5 ख़राब निकला है, वो हमने फेंक दिया, और अब हमारे पास 5 आलू रह गए, 4.5 क्वान्टिटी हमारे पास भी, सामान भी पूरा हो गया तकरीबन। बस सिंपल इसको दोबारा आपको दिखा दूँ, आलू बॉयल, अच्छा आलू आपने मुकम्मल तौर पे बॉयल करना है, कच्चा ना हो, सेंटर में थोड़ा बहुत कच्चापन ठीक है, लेकिन अगर साइडों पे भी कच्चा है फिर ये आलू पकेगा नहीं। यहाँ पे जो हम इसकी बेकिंग कर रहे हैं ये टोटल 5-7 मिनट है, 7 मिनट के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं पकेगा। हमारा मकसद बेसिकली इसके अंदर की जो फिलिंग है उसको थोड़ा सा पकाना है। सो ये थोड़ी सी जगह बनाई और इसके बाद इसमें हमने प्याज, शिमला मिर्च, हरा प्याज, सॉसेजेस, लहसुन पाउडर, नमक, ये टोटल चीज़ें इसमें शामिल किए। ऊपर से हमने थोड़ी सी इस पर लगा दी चेडर चीज़ और उसको हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि चिपक जाए, गिरे ना साइडों पे। और ऊपर से हमने थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा हम इसको सॉसेज मैंने बचा के रखे थे उससे हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। बस ये जहन में रखेगा, आलू का स्लाइस ये रखें, ये टिका रहे, ये इधर उधर ना रहो, कहीं अगर हो रहा है तो उसको कहीं से सपोर्ट दे दें, बाकी काम हो गया पूरा। ये एक दफ़ा कर लें, फिर हम आ जाएंगे हमारे मीट बॉल की रेसिपी की तरफ जो कि बहुत आसान है। बस ये निकाल दिया, लास्ट आलू हाथ से दबा दिया, साथ में हमने इसके ऊपर लगा दिया चेडर चीज़, फिर हाथ से दबाया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़े सॉसेज शो मारने के लिए, बस ज़रूरी नहीं है वैसे। ये हो गया तैयार, ओवन में जा रहा है, ओवन का हमने हीट ऊपर से ऑन की हुई है और ये आ गया सीधा सीधा ओवन में। ये ऊपर के सांचे में हम रख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ऊपर की हीट आ रही है, ठीक है, दैट्स इट। ये सीधा गया ओवन में, ये बंद हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे मीट बॉल रेसिपी की तरफ, ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ये आलू बचा के रखेंगे, किसी दिन और पका सकते हैं, बताएंगे आपको इसकी मेकिंग भी। पैन आ गए 2 क्योंकि मीट बॉल ज़्यादा है, और चूल्हा ऑन। हाँ हाँ, आलू के समोसे बन सकते हैं, वाकई बेहतरीन, सबसे आसान तरीका, सिंपल, इसको मैश कर लें, इसमें ज़ीरा मिला दें, नमक मिला दें बस, और वो आलू के, एक तो समोसे बड़े वाले आते हैं, ये छोटे वाले जो मांडा पट्टी के होते हैं, फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं, 2 पैन ले लिए, 2 पैन में आ गया ऑयल और मेरे हिसाब से 1 सब बन में 3 कोफ्ते आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, मैं ज़रा देख लूँ, या 4 आएंगे, हाँ 4 आ जाएंगे, बड़े बंस हैं। आमतौर पर इसके छोटे साइज़ के बंस भी आते हैं, तो आपने सिंपल ये बन लिया, ये देखिए 1 ये रखा, 4 आ गए, तो कोफ्ते पहले गिन लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 17, 18 और 19, 20, 24, 28, 32, तो कितने हो गए, 4 1 में आ रहे हैं तो 32। हाँ भाई कुछ कंट्रोल हैं, अबे 4 4 बने कितने हैं टोटल, 8 बने भाई, छोड़ दो, चुप हो जाओ, बैठे हुए पता नहीं। एनीवेज ये ले, नहीं नहीं हम बता रहे हैं 32 में कितने बनेंगे, मैंने कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट की,
हर में चार जा रहे हैं तो आठ बन गए ना मेरे भाई। चले अब आंच इसकी हमने कर दी कम, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसको हम कवर करेंगे और हल्का सा पानी डाल देंगे, तकरीबन कोई आधा आधा कप, ज़्यादा नहीं। एक एक करके इन कोफ्तों को डाला। चिकन का कोफ्ता है बहुत आसानी से जल्दी बन जाता है, मटन बीफ का भी बन जाता है क्योंकि पिसा हुआ है, तो कुकिंग टाइम इनका किसी का भी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। जो हमने ओवन में रखे हैं वो उसको आप देखते जाएंगे, अचानक ये कलर इस पर आता है वो आपने ख्याल करना है, और इन केस अगर कुछ पे कलर आया कुछ पे नहीं आया तो आपने फिर उनको मिक्स चेंज करनी है उसकी लोकेशन। ये नहीं, इसको पहले थोड़ा सा फ्राई किया, ये बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, काम हमारा इजी है। जैसे ये तैयार हो के आएगा इसके बाद सिंपल इसके ऊपर हम मेयोनीज और हाँ, ये रेसिपी कार्ड में दो गलती होगी मुझसे, एक इसमें हमने मस्टर्ड और सॉरी केचप और मेयोनीज ये मिक्स करके इसके ऊपर लगाना है। बस जैसे कोफ्ते तैयार होंगे रखेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे क्या उसको कहते हैं, ये चीज स्लाइस एंड दैट्स इट। उसको मिक्स किया, बल्कि सॉरी ये तो पिज़्ज़ा सॉस था, पिज़्ज़ा सॉस है ना, हाँ हो गया काम, यही था बस, ये पिज़्ज़ा सॉस डलेगा इसमें। पहले इसको पकाएंगे थोड़ा सा, मीट बॉल्स को पकाया, ये आ गया पिज़्ज़ा सॉस, आधा आधा इसमें कर देंगे, बल्कि सारे एक साथ पक जाएंगे, हाँ अब पक जाएंगे। चलो ये पिज़्ज़ा सॉस आ गया इसमें, और इसको हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, आंच में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बस कवर किया और बिल्कुल धीमी आंच कर दी। बस मैक्सिमम 7 से 8 मिनट पकेगा, निकलेगा, और जैसे ही हम इस इन इन बंच में हम मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट मिक्स करके, ये मसला हो गया था रेसिपी कार्ड में, ये नहीं लिखा होता, तो हमने बेसिकली मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट मिक्स करके इन ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, जैसे ही कोफ्ते तैयार होंगे फ़ौरन रखेंगे गर्मा गर्म, उस पर चीज स्लाइस रखेंगे तो चीज स्लाइस मेल्ट होगा। बस इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, और ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा एक दफ़ा मुआयना कर लूँ हमारे जो हमने पोटैटो स्किन्स रखी हैं। मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी इन पर कलर आएगा, बस थोड़ा देखते जाए, नहीं अभी टाइम है, छोटी ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करें। Meatballs subs, ajza, sub buns, atadad, cheddar cheese slice, 10 adad, pizza sauce 1 cup, tel 1/2 cup, meatballs ke liye. Chicken qeema 750 gram, pyaaz slice 1 adad badi, namak 1 khane ka chamcha, kali mirch 2 khane ke chamche, bread crumbs 1 cup, garlic powder 1 khane ka chamcha, ande 2 adad. Welcome back, ye aap hamare sub buns ke kofte ban rahe hain. Jisme maine abhi chakha to thoda sa namak kam tha. Halka sa namak shamil kiya. Isko mix kiya. बस चूल्हा बंद, और अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग गर्मा गर्म कोफ्तों से इसमें से करनी है कि इसमें हमने चीज़ मेल्ट करनी है, अगर चीज़ मेल्ट नहीं हुई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो मेक श्योर के सबसे पहले ये आ गए बंस, और अभी मैंने पोटैटो सीड्स के चेक किए थे, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, अभी मेरे हमें 2-3 मिनट और लगेंगे, बस देखते जाइएगा अपने ओवन के हिसाब से। ये आ गए बंस, और अब काम इसका बहुत ही आसान है, इसको हमने ऐसे रख देना है। अच्छा सॉस इसमें है बहुत मज़े का, तो सॉस के साथ ही डालेंगे। एक एक कोफ्ता रखा है इसके ऊपर, 4 कोफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक सैंडविच में आएंगे, बस इसके बाद चीज स्लाइस चेडर चीज का ये लिया, और ये आ गया बस। ये इसका टॉप आ गया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा मीट बॉल सब बंस।
एक एक करके इसके ऊपर रखते गए। चीज़ स्लाइस फ़ौरन रखना है ताकि मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल गर्म है, ठंडा करेंगे तो फिर ये इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये ले जी, एक एक करके रखते गए पहले कोफ्ते। सॉस पीस के साथ है तो सॉस भी साथ साथ डालते जाइए। और हमने जो नीचे इसके बेस में लगाया है वो मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट है। रेसिपी कार्ड में लिखना मैं भूल गया हूँ, मेथड में लिखा हुआ है, तो वो आप लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ वो सैंडविच इसके थोड़े से ड्राई होंगे। चलो जी, ये काम हो गया। अब सिंपली इनको हमने चीज़ स्लाइस रखने हैं और स्किन मेरे ख्याल में से ज़रा एक दफ़ा मुआयना करने का टाइम आ गया है। एक एक करके स्लाइस रखे। मैं ज़रा खाली एक दफ़ा देख के आ जाऊँ। हाँ बस वही दो दो मिनट और उन्हें। एनीवेज ये हो गया, पिघल गया। चलिए बस चीज़ मेल्ट थोड़ी सी होना शुरू हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि चीज़ मेल्ट होगी तो सैंडविच भी थोड़ा ज़रा पकड़ में आ जाएगा, अदरवाइज़ इसके मटेरियल गिरने का चांसेस होते हैं, ख़ासतौर पर कोफ्ते स्लिप होने के। ये रखते गए, आज का हमारा काम कंप्लीट है। ये मीट बॉल्स के साथ भी और साथ में हमारी पोटैटो स्किन्स, ये आ गया। ये इनके टॉप आ गए, ये आ गया कि हमारे सैंडविचेस तैयार। 8 सैंडविच बनेंगे टोटल इस एक 3 पाउकी में से, जहन में रखिएगा। मैं क्वांटिटीज से आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये बहुत ही फिलिंग है, शदीद फिलिंग है। परसों मेरे खान में हमने वो ओट कुकीज़ बनाई थी, उसके बारे में आपको मैंने बताया था कि बेहतरीन ऐसा फिलिंग था कि एक क्वार्टर खाया था मैंने और क्वार्टर में च्युइंगम की तरह चबा ही रहा था उसको, उसमें अज्जा ऐसे हैं। और फिर वो बेहतरीन चीज़ है, आपकी निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल सेहत के लिए, उसमें सब ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस ये जब तक एक एक करके बनाते जाएंगे। ये ब्रेड और आ गई और अब मेरे ख्याल में मैं फाइनली उसका मुआयना कर लूँ, क्या नाम है, स्किन्स का। हो गया, ये लें, ये हमारी पोटैटो स्किन्स भी तैयार। सिंपल बेकिंग टाइम मैंने आपको शायद 6-7 मिनट बताया था, मेरा टाइम मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, 10 मिनट हो गया टोटल। लेकिन ये बेसिकली हमने काम इतना करना है कि सिर्फ चीज़ ऊपर से मेल्ट हो गई, थोड़ा सा कलर आ गया और दैट्स इट। हम आ जाते हैं फ़ौरन यहाँ पे, क्योंकि कोफ्ते ठंडे ना हो जाएं, उसकी वजह है कि कोफ्ते ठंडे हो गए तो फिर चीज़ मेल्ट नहीं होगी। तो एक एक करके हमने इसको असेंबल फ़ौरन करते जाना है। जगह बना लेते हैं पहले, ये इसके टॉप अलग कर दिए और बॉटम्स। बेक मेकिंग इसकी बहुत आसान, इवन मैंने आपको बताया कि इसी कोफ्तों को बना के सॉस में ही आप इसको फ्रीज कर लें, निकाला डिफ्रॉस्ट किया, बाकी सैंडविच बनाना बहुत आसान, मिनटों में। सारी खाली असेंबल करना है इसकी, मीट बॉल्स रखने अंदर और ये काम हमारा हो गया कम्प्लीट। एक करके उसको दोबारा रख लेते हैं और वही काम जो पहले रिपीट किया। चीज़ स्लाइस कम हो गई, चीज़ स्लाइस है और जिंदाबाद। असल मैंने रेसिपी कार्ड में एक चीज़ स्लाइस पर सैंडविच रखा था, लेकिन बाद में मैं थोड़ा ज़रा जज्बाती हो गया, मैंने 2 शामिल कर दिए, 2 अच्छे लग रहे हैं और 2 बेसिकली इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। 4 पीसेस रखे पहले, दो कोफ्ते बच गए, फिर भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत थी, छोटा सैंडविच एक और बन जाएगा। तो 3 पाव चिकन के कीमे से हमने इतने सारे सैंडविच बना लिए और उसकी एक वजह ये भी थी कि बेसिकली मैंने आपको बताया इसमें ब्रेड क्रम शामिल करने से इसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाता है, टेस्ट के पॉइंट भी अच्छा। टेस्ट इसका चूँकि क्रम्स का कोई नहीं है तो आपको टेस्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं,
वापस आएंगे, सैंडविचेस तैयार हैं और पोटैटो स्किन भी कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। मीट बॉल्स सब्स अज्जा सब बंस 8 अदद, चटर चीज स्लाइस 10 अदद, पिज्जा सॉस 1 कप, तेल 1/2 कप मीट बॉल्स के लिए, चिकन कीमा 750 ग्राम, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, ब्रेड क्रम्स 1 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद। तरकीब, मीट बॉल्स के लिए एक बोल में अलावा मस्टर्ड पेस्ट और मेयोनीज के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और छोटी छोटी बॉल्स बना लें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इन्हें 2 मिनट फ्राई कर लें और फिर इनमें पिज्ज़ा सॉस डाल के ढाँप कर 5 मिनट पकाएं। अब बंस को दरमियान में से 2 हिस्सों में काट कर टोस्ट कर लें, फिर बंस पर म्यूनीस और मस्टर्ड पेस्ट फैलाएं। अब इसमें मीट बॉल्स डालकर ऊपर चीज स्लाइस रख दें, फिर बन के दूसरे हिस्से से ढाँपें और काट कर सर्व कर दें। लोडेड पोटैटो स्टिक्स अज्जा, आलू छिलकों के साथ 6 अदद बड़े, चेडर चीज 1.5 कप, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स 2 अदद, स्प्रिंग अनियन स्लाइस 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच। तरकीब, आलुओं को लंबाई से 2 हिस्सों में काटकर चमचे से उसके दरमियान का हिस्सा निकाल दें। अब नमक छिड़ककर इसमें चीज़, सब्जियां, गार्लिक पाउडर, सॉसेज और फिर दोबारा ऊपर चीज़ डालें, फिर ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। दोनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं, पोटैटो स्किन्स सिंपल, हमने इसको पहले बॉयल किया। अच्छा, बॉयल आपने जहन में रखना है कि मुकम्मल तौर पर बॉयल्ड हो, अंदर से थोड़ा बहुत कच्चा, बिल्कुल सेंटर से अगर थोड़ा बहुत कच्चापन तो ठीक है, लेकिन साइडों में अगर कच्चापन है तो ये चूँकि पकेगा नहीं, यानी जितनी देर हमने इसको पकाया, बेसिकली हमारा मकसद इस सारी टॉपिंग को तैयार करना था जो कि हो गई। हमने किया क्या, बेसिकली इसके फिलिंग के अंदर आलू बॉयल करके बड़े साइज़ के उसको हाफ में काटा, उसकी फिलिंग निकाली अंदर से, और फिलिंग में हमने चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च, हरा प्याज, सॉसेजेस और साथ में नमक, गार्लिक पाउडर, ये सारा मिक्स करके इसको अंदर से भरा, ऊपर से चेडर चीज़ डाली, ऊपर से थोड़ा बहुत ही हमने सॉसेजेस रख दिए, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और बस उसको हमने बेक कर दिया ऊपर के हीट ऑन करके। नीचे की हीट ऑन नहीं करनी, ऊपर की हीट ऑन करनी है 7-8-10 मिनट के लिए। ये हमारे मीट बॉल्स सब भी हो गए तैयार। मीट बॉल्स के लिए हमने 1-3 पाव कीमा लिया और इसमें शामिल किया ब्रेड क्रम 1 कप, प्याज 1 अदद बड़े साइज़ की, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच और काली मिर्च 1 से 1.5 खाने का चम्मच। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, फिर हमने इसका कीमा निकाला। कीमा निकालने के बाद इसके बॉल्स बने, 3 पाव में से 34 कोफ्ते बने 3 पाव में से, और टोटली हमारे पास जो कोफ्ते इस्तेमाल हुए वो 32 इस्तेमाल हुए, 1 में 4 इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके बाद हमने उन कोफ्तों को थोड़े से ऑयल में फ्राई किया, 1 कप हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला और इसी में इसको हमने 10 से 15 मिनट तक पकाया, और फिर ढक्कन हटा के हमने इस बंस के ऊपर सबसे पहले मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट का मिक्स लगाया। रेसिपी कार्ड में, रेसिपी इंग्रेडिएंट में नहीं है, मेथड में लिखा हुआ, ये गलती होगी, बस वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा उसके ऊपर लगाया, गर्मा गर्म कोफ्ते रखे, ऊपर से चीज़ स्लाइस रखे और ये हमारे सब मीट बॉल सब्स हो गए तैयार। सो आज की दोनों रेसिपीज ट्राई कीजिएगा। सब की सब रेसिपीज़ का मेरा मकसद होता है कि एक तो बाज़ार के खाने जितने हम लोग कम कर सकें, मैं रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या लोग जो बेच रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आ गया है, कोई भी चीज़ आप आइटम उठा के देख लें तो कीमतें इतनी नहीं बढ़ रही जितनी कॉस्ट बढ़ रही है। मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं 5-6 साल अपनी पूरा सेटअप चला चुका हूँ, फैक्ट्री बंद करने की वजह ही थी कि मैंने कहा नहीं भाई, अब या तो इसमें गंद मला मिक्स करना शुरू हो जाओ या फिर चुपचाप करके इस काम से निकल जाओ। चुपचाप करके काम से निकलने में, यानी पूरी फैक्ट्री आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैंने कितने बेची है जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि कीमतें इतनी तेज़ी से पूरे साल बढ़ती थी जिनको हम बेचते थे वेंडर्स को। मैं बेसिकली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को सूप, सैलड, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स ये सारी देता था, केक, सॉसेस थे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, उनके साथ एक रेट तय होता था, वो रेट पूरा नहीं होता था। तो बाज़ार के खानों का मसला ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कीमतें बढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपके साथ उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चिकन हो गया, ऑयल हो गया, मेयोनीज हो गया, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि इतने पैसों में जितने आपको दे रहे हैं। अभी मैं डील्स पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, कुछ रेस्टोरेंट्स की आई थी मेरे लिए, मैं चूँकि मुझे इस प्रोफेशन में 36-37 साल हो गए और ये काम मैंने किए हैं, जॉब किए हैं, काम किए, अपना पूरा सेटअप चलाया, मैं ये समझने से कासिर था कि उसमें वो कमा क्या रहे हैं। एक पिज़्ज़ा दे रहे हैं वो 1800 रुपये का लार्ज, और उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी दे रहे हैं, वो पिज़्ज़ा भी अच्छा खासा है, मतलब उसकी जो कॉस्ट मैंने निकाली है मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल वारे में नहीं है, पता नहीं क्या कमा रहे हैं, किस चीज़ में कमा रहे हैं।
तो इस वजह से कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा ज़रा समझाएं, बड़ों को। बाज़ार के खाने महंगे भी पड़ रहे हैं, चले सस्ते पड़े हैं आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने उस दिन फ्राइड चिकन बनाया था घर में, मुझे जो फ्राइड चिकन का एक पीस पड़ा मेरा और जो बड़ी नॉन फ्रेंचाइजी उसमें 50 रुपये का फ़र्क था। आप मुझे बताएंगे 50 रुपये के फ़र्क के साथ मैंने काफ़ी सारा चिकन बनाया था, कोई फ़र्क तो नहीं हुआ। तो ये इतना फ़र्क अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं, और उन मसले मसाइल को निपटने के लिए ये आपका काम नहीं है। आप साफ़ सुथरा चीज़ें बाज़ार से लाएँ और ख़ुद बनाएँ और देखें कितना फ़र्क पड़ता है, और ग़ज़ाइयत और सेहत तवानाई सबको सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। Masala to your life.